आपके हर फंक्शन के अंदर आप इतना इज्जत मान देते हैं, इतने अच्छे से नवाजते हैं, और ये तो एक तरह से मुझे लगता है कि मेरे कंधों पर बहुत भार बढ़ जाता है। वो तो ठीक है कि हम सभी लोगों का परम कर्तव्य बनता है कि हमें ऐसे मनुष्य जो बेचारे सड़कों के ऊपर कूड़ा खाते हैं या बिना कपड़ों के घूमते हैं या मानसिक रोग की वजह से सड़कों पर पड़े रहते हैं, नालों में सड़े गले पड़े रहते हैं, और हम उन सब की अनदेखी करके आगे निकल जाते हैं। लेकिन हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि भगवान जी ने हमें मनुष्य योनि के अंदर भेजा, तो हमें ऐसे लोगों की सेवा करनी चाहिए। तो मैं भी बस छोटी सी सेवा अपने कर्तव्य निभाने की कोशिश में लगा रहता हूँ। लेकिन बाबू जगत जतनबीर साहब इतना कंधों पे भार चढ़ा देते हैं इतना अच्छा बोलकर, तो मेरे लिए बड़े भारी पड़ जाते हैं। और लगता है कि ऊपर से भगवान जी की तरफ से आकाशवाणी होती रहती है कि डटे रहो और अच्छी सेवा में करते रहो, समाज का उत्थान करते रहो। तो मैं आपका बड़ा धन्यवाद करता हूँ। और आज इस युवा एकता इंडिया फाउंडेशन की जो तीसरी वर्षगांठ है, इसके शुभ अवसर और शुभ कार्यक्रम के अंदर डॉक्टर कंचन सिंह जी यहाँ पर उपस्थित हैं और उनके हस्बैंड श्री धीरेंद्र जी, धीरेंद्र सिंह जी भी उपस्थित हैं। अभी हमने उनकी मोटिवेशनल स्पीच भी सुनी। आप भी बड़े भावनात्मक हैं दोनों, और आप दोनों के बारे में मैं ये अच्छी बात बताना चाहूँगा कि आप दोनों कॉरपोरेट के अंदर थे, गुड़गांव के अंदर ही किसी कॉरपोरेट कंपनी में जॉब करते थे बहुत सीनियर लेवल पर। बहुत अचानक इनके मन में आया कि इन्होंने मानव कल्याण और स्पेशली महिला सशक्तिकरण के ऊपर कोई कार्य नहीं किया, और इनको लगा कि इनको भी अपने लाइफ में ये कार्य करके अपने भगवान जी को ऋण उतारना चाहिए। तो अचानक इन्होंने वो अपनी जो इतनी कंफर्ट जोन के अंदर इनकी लाइफ थी, कई लाख रुपए महीने की पगार थी और बिल्कुल स्टेबल लाइफ चल रही थी, और वो सब छोड़ के इन्होंने दोनों ने अपना जीवन सेवा में समर्पित कर दिया। और महिला सशक्तिकरण के ऊपर ये निरंतर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इसके लिए मैं आप दोनों को बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ और बहुत शुभकामनाएं भी देता हूँ। और आदरणीय एडवोकेट साहब नरेश खटाना जी, आप हमेशा बड़ा अच्छे से मंच का संचालन करते हैं, और मैं कई बार बहुत भ्रमित हो जाता हूं कि आप एडवोकेट तो हैं लेकिन मंच संभाल रहे हैं, तो आपको तो एक बड़ा अच्छा एंकर होना चाहिए। और राष्ट्रपति जी जैसे विज्ञान भवन में बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, वहां जाके आपको अपने वाणी को सबकी तरफ पहुँचाना चाहिए, तो देश का बड़ा उद्धार होगा। और आज इस उपलक्ष्य में यहाँ पर जो अच्छे लोग सभी उपस्थित हैं, जिसमें आसपास के गांवों से और आपके इसी गांव से भी सरपंच साहब, नंबरदार साहब, प्रधान साहब, आप जो सब लोग अपना कीमती समय निकाल के आए हैं, मैं आपका भी बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ और बड़ी शुभकामनाएं देता हूँ बलराम जी को। और भगवान जी से प्रार्थना करते रहूँगा आप इसी माध्यम से बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अपने गांव को आगे बढ़ाएं, और आने वाले टाइम के अंदर गांव के अंदर रोजगार के साधन भी उपलब्ध कराएं, कोई लघु उद्योग लग जाएं, बच्चे अच्छे अच्छे पदों पर नियुक्त हो जाएं, यहाँ पर गांव का आपका प्रशासन के अंदर अच्छे प्रशासनिक पदों के पर नेतृत्व करें, संचालन करें, और अपने गांव को खूब ऊंचाइयों तक बचाएं। तो मैं ऐसे भगवान जी से प्रार्थना भी करता रहूंगा, और हमेशा की तरह इस बार भी ये जरूर कहना चाहूंगा कि हम सब लोगों को भगवान जी ने जो इतना अच्छा ब्रेन दिया है वो किसी भी प्राणी से मैच नहीं खाता है। उसकी जरूर वजह यही है कि परमपिता परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम सब लोग मानव कल्याण, जीव जंतु और पर्यावरण की निस्वार्थ सेवा करें। और मैं कभी भी देश की बुराई करना पसंद नहीं करता, लेकिन कुछ बातें रटी रटाई तो नहीं है मेरे पास में, लेकिन मैं हर बार बड़ा भावुक हो जाता हूं जब कोई ऐसे मंच पर बोलने का मौका मिलता है। और हमेशा प्रार्थना भी करता हूं, चाहे कोई राजनीतिक मंच हो, कोई धार्मिक मंच हो, कोई ऐसे संचालन हो जहाँ कोई जैसे आपकी फाउंडेशन का आज एक अच्छा दिन है, ऐसे कोई भी मंच मिल जाए, इसके ऊपर केवल एक ही विषय होने चाहिए कि हम अपने देश को और अपने समाज को कैसे अच्छा बनाएं और हमने क्या क्या अच्छे कार्य किए हैं। उस कार्यों के अंदर जो मेन कार्य हैं वो यही है, जैसे बाबू जतनबीर साहब ने बताया कि पर्यावरण की समस्या। आज हमें ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में इतने अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं,
इतने अच्छे राजनीतिज्ञ हैं जो देश का बड़े अच्छे से संचालन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे पास ऑक्सीजन भी नहीं है। आप मेरी बात पे मत जाइएगा, मैं अपने देश की बुराई बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, ना ही कभी चाहता हूँ कि कोई बुराई करे और ना ही किसी को करने देता हूँ। लेकिन आप इंटरनेट में चेक कीजिए, जो असलियत है वो पता लग जाएगा कि आज हमारे पास ऑक्सीजन भी नहीं है। जो हम इनहेल कर रहे हैं ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, जिससे हमारी इम्यूनिटी लेवल पुअर होता जा रहा है, हमारी आंखें कमजोर हो रही हैं, हमारी कार्य करने की क्षमता गिरती जा रही है। 4 घंटे से ज्यादा कोई भी हिंदुस्तानी ढंग से काम नहीं करता है, ना वो बिजनेस में ना पढ़ाई में। तो ये हमारा दुर्भाग्य है और ये बड़ा चिंता का विषय है, और हम सब लोगों को इसके ऊपर वॉर लेवल पे काम करने चाहिए। उपाय हमारी उंगलियों के ऊपर है, उपाय इंटरनेट भी भरा पड़ा है, टीवी के ऊपर भी खूब बताया जाता है, लेकिन उसको अपने चलन के अंदर लाना है तो हम अपने पर्यावरण को अच्छा बना पाएंगे। इसके अलावा आपके गांव के अंदर पास में दमदमा लेक लगती है, अभी कुछ दिन पहले वहां पर एक खेल क्रीड़ा का कार्यक्रम था जिसमें बाबू जतनवीर साहब ने और बलराम जी ने मुझे भी इन्वाइट किया था, तो मुझे ये देख के बड़ा गर्व हुआ कि आसपास और आपके क्षेत्र के अंदर बहुत स्कोप है जिसके अंदर खेलकूद को भी बढ़ाया जा सकता है और साथ में ये टूरिज्म को भी बहुत बढ़ाया जा सकता है। तो टूरिज्म को अच्छा बढ़ाएंगे तो घरों के अंदर रोजगार आएगा, सुविधाएं आएंगी, शुभ लाभ होगा और परिवार का संचालन अच्छे से होगा। जब आप परिवार का संचालन, आपके अतिथिगण आ गए, मनोज प्रधान जी आपका स्वागत है। आप लेट हो गए लेकिन फिर भी हम ढूंढ रहे थे यहाँ पर कि मनोज साहब कहाँ हैं, इस बार दिखे नहीं आप। आइए मनोज साहब प्लीज, मनोज साहब के लिए एक बार क्लैपिंग कर दीजिए सर। तो मैं बता रहा था कि अगर घर घर में खुशहाली होगी, शुभ लाभ आएगा, तो फिर आप घर के बारे में अच्छा सोच पाएंगे। जब घर के बारे में अच्छा सोचेंगे तो फिर अपने राज्य के बारे में अच्छा सोचेंगे, फिर अपने देश के बारे में अच्छे कार्य करेंगे, और अभी तो हमें इंटरनेशनल भी कार्य करने हैं। आज बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे भूख भरी है, जैसे सूडान है, सोमालिया है, सीरिया है, कोई अफगानिस्तान है, इराक है, जहाँ आज भी जंग की वजह से बच्चे उड़ गए, हाथ पैर कट गए और उनके पास कोई सुविधाएं नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। और परमपिता परमेश्वर ने तो हमारी कंट्री के अंदर हमें सब कुछ दिया है, अच्छा समाज दिया है, अच्छी सेहत दिया है, पढ़ाई लिखाई दिया है, और हम सब लोग वर्ल्ड के अंदर इंग्लिश के अंदर और पढ़ाई लिखाई में अमेरिका और कनाडा और इंग्लैंड को भी बीट कर रहे हैं। तो क्यों नहीं हम और अच्छा करें और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाएं। तो उससे पहले वैसे जैसे बलराम जी का ये प्रयास है कि आपने बच्चों को पढ़ाना है, अपने अपने विलेज को आगे लेके जाना है, और इसमें मैं भी पूरी कोशिश करता रहता हूँ कि बलराम जी का सहयोग दें ताकि हम सब लोग अपने क्षेत्र को बहुत अच्छा बनाएं। बट एक बार दोबारा से जो मेरे पास कह ही देता हूँ, मैं रटी रिटाई बातें हैं कुछ जो मैं हमेशा हर मंच पे बोलने की कोशिश करता हूँ, वो कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो हमारे आसपास हैं जिनकी वजह से आज हमारे देश को बड़ा नीचे होके देखना पड़ता है, और हमारे अंदर ऐसी ड्राइव ही नहीं रह गई है कि उन समस्याओं को हम दूर कर सकें। वो समस्याएं ऐसी हैं जैसे कि यातायात की समस्या, उसके अलावा हॉर्न बजाने की समस्या। हमारे देश में हम सब लोग बहुत हॉर्न बजाते हैं बिना वजह से, इससे ध्वनि प्रदूषण होता है, रक्तचाप बढ़ता है, नींद नहीं आने की बीमारियां होती हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश की बड़ी बदनामी होती है जब विदेशी सेनानी हमारी कंट्री में आते हैं, जो कि हम आना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ बहुत पोल्यूशन है। हम विदेश जाते हैं तो 10 साल और यंग हो जाते हैं, जब वो बेचारे इंडिया में आते हैं तो एयरपोर्ट से उतरते ही उनको डायरिया हो जाता है, उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तो इसकी वजह यही है कि विदेशी सेनानी नहीं आने से हम रेवेन्यू भी जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। मतलब मैं कह रहा था अननेसेसरी व्हीकलर हॉकिंग को कंट्रोल करना है, बिना वजह से हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। आपको जान के गर्व होगा, मुझे अपनी गाड़ी चलाते हुए 35 साल से ज्यादा हो गए, 48 देशों में मैं गाड़ी चला चुका हूँ अपनी पर्सनल कार, और आज तक मैंने हॉर्न नहीं बजाया। और मैं चैलेंज करता हूँ कि कोई मेरे साथ रेस लगा ले, मैं बिना एक्सीडेंट मारे और बिना ट्रैफिक सिग्नल तोड़े और बिना कोई नियम तोड़े आपसे अच्छी गाड़ी चला लूंगा, जीत भी जाऊंगा और एक्सीडेंट भी नहीं करूंगा।
मतलब कहने का भाव यह है कि अगर आप अपनी गाड़ी बिना हॉर्न बजाए चलाएंगे तो आपको इतना आनंद आएगा कि आपके पैसे भी वसूल हो जाएंगे। तो हॉर्न बजाने की नीड नहीं है, हॉर्न सिर्फ एम्बुलेंस के लिए या एमरजेंसी के लिए ही बना है। इसके अलावा जो अभी बलराम जी का बड़ा झुकाव जा रहा है इस तरफ में कि जैसे कि पर्यावरण को बचाना है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने हैं, ऑक्सीजन को जनरेट करना है। बाबू जगत राम जी ने, जतन वीर साहब ने बड़े अच्छे से बताया था कि पेड़ ही ऐसे स्रोत हैं जो हमें ऑक्सीजन फल छाया देते हैं, वो हमारे लिए परमपिता परमेश्वर के बराबर है। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और उनको कटने से बचाएं और ऑक्सीजन जनरेट करें और कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा पनपने से भी दूर रखें। तो इसके अलावा बड़े सारे ऐसे काम है जो बलराम जी का झुकाव उस तरफ जा रहा है। मैं भगवान जी से प्रार्थना करता रहूंगा कि आप इसी माध्यम से अच्छे कार्य करें, आप सभी लोग मिलके युवा एकता फाउंडेशन को खूब बल दें, इनके हर कार्यक्रम में आते रहें और जो भी कार्यक्रम ये समाज के उत्थान के लिए करें इनका सहयोग करें। तो मैं आज जो उपस्थित और लोग अच्छे लोग यहाँ पर विराजमान हैं उनमें श्री रजनीश सचदेव साहब हैं जो नॉर्थ इंडिया के हेड हैं अपोलो हॉस्पिटल के, आपका भी स्वागत करता हूं। श्री शैलेश कटाना साहब चेयरमैन जी, आपने बड़े अच्छे अपने विचार रखे, आपके विचारों से मैं बड़ा प्रभावित हुआ। और मुझे याद है डिप्टी सीएम साहब जब बंदवाड़ी विलेज में आए थे तो आपने बड़े अच्छे से संबोधन किया था और आपने बड़े आदर मान से हमें नवाजा था, आपसे मैं मिला था मनोज बंदवाड़ी साहब के यहाँ घर पर। और आज उपस्थित हैं श्री प्रमोद बाटला साहब, श्री नरेंद्र पहलवान साहब, नंबरदार साहब, और बच्चों ने जो इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी इसके लिए बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बधाई देता हूँ, बहुत आशीर्वाद देता हूँ। कैनविन फाउंडेशन के कार्यकर्ता भी यहाँ उपस्थित हैं और मानविका फाउंडेशन जिनके यहाँ जाने का कुछ दिन पहले सौभाग्य मिला था, आप भी बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं बलराम जी के साथ मिलके, आपका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। श्री नरेश साहब, आपसे भी मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। और सबसे ऊपर सतेंद्र राघव जी जो कंसेंट्रिक कंपनी जो गुड़गांव की एक बड़ी जाने मानी उद्योगपति कंपनी है, आईटी प्रोफेशन कंपनी है, आप इसके अंदर कार्यरत हैं, आपसे हमेशा मिलकर बड़ा अच्छा लगता है। आप सब लोग हमारी संस्था में भी निरंतर आते रहते हैं। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए युवा एकता फाउंडेशन के 3 साल पूरे होने पर इनकी वर्षगांठ पर जो ये बड़ा ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है बलराम साहब ने, इसके लिए आपको बहुत बधाई देता हूँ। ईश्वर से, परमपिता परमेश्वर से हमेशा प्रार्थना करता रहूँगा कि आप ऐसे ही अच्छे कार्य करते रहें निस्वार्थ भावना से और हमारे देश को, आपके गांव को, हमारे समाज को, आप सबको बल दें और बहुत अच्छा बनाएं। थैंक यू सो मच और सबका दिन शुभ हो। थैंक यू जी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।